दिया है और यहाँ पे बच पाना मुश्किल। लेकिन ये जोन का शिफ्ट आप देखिए, अगर वो उस रश को रोक पाते पूरा सर्कल अभी टीम एक्स पार के पास जाता हुआ नजर आता। बट अभी के लिए जो टेबल टॉपर्स है गॉडस्वेन मुश्किल है, उनकी भी बढ़ाई जाएंगी। एक्वाडोर्स गोज डाउन, निंजा जॉर्ड वो ऑलरेडी नॉक्ड आउट हमें देखने को मिल जाएंगे और अब गॉडस्वेन के मात्र एक गॉड बचते हैं। रॉबिन देखना यह है कि वो कितनी देर तक यहाँ पे जो अपना सर्वाइवल है वो बना करके जा पाएंगे, क्योंकि यहां पर भी एलिमिनेट होते हैं तो पोजीशन के कुछ खास अंक जाएंगे नहीं। और रॉबिन शायद एक कोशिश उनकी हो सकती है हील बैटल करने की, बट थर्ड वर्ल्ड माफिया उनको पता है कि ये जगह रेड फोर्स से उनको छीननी ही पड़ेगी। एक्सीवा एक ग्रेनेड करना चाहते हैं और ये ग्रेनेड सही भी जा सकते हैं, हालांकि दूसरी तरफ स्पोर्ट आ रहेंगे जो निंजा को पिक करेंगे। एनएस रेड फोर्स एक अच्छी गेम की दरकार जो है वो यहीं पे देखने को मिल सकती है। स्पोर्टा उनको अपना फिनिश मिलेगा, रीलोड पर जाना पड़ेगा इन्हें थोड़ी देर में। 15 गोलियां बची हुई हैं, 312 बाकी चेंबर में, डेफिनेटली रीलोड किया गया। बट सर्कल आप देखिए किस तरीके से एक्वायर कर लिया एनएस रेड फोर्स, मेंटली ये गेम जीत चुकी है। जी हाँ, और आप देखिए कि ओवरऑल स्टैंडिंग्स में वो 11वें पायदान पे मौजूद थे, ऐसे में सेंस से वो फिनिश ऑफ किए जाएंगे प्ले जोन के द्वारा और साथ ही साथ टीम रेवनेंट उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता हुआ। रेड फोर्स के पास एक बहुत बढ़िया एरिया है और ऐसे में चिकन डिनर के प्रबल दावेदार, वहीं दूसरी तरफ क्योया उनको डाउन किया जाएगा। विंग्स डाउन होंगे रेड फोर्स के और ये एक एक नॉक बहुत ज्यादा बड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। टूजेड की बात करें तो वो भी अब एजेस पे आ चुके हैं, ऐसे में ईस्टर्न साइड से रॉक सर्कल में एंटर करना चाहते हैं, बट टेबल टॉपर गॉडस्रेन अभी भी सर्वाइव करेंगे। पैराडॉक्स को डाउन किया जाएगा पुम्बा के द्वारा, बट गॉडस्रेन के रॉबिन लड़ते हुए ब्लू जोन से। पैराडॉक्स एकदम पीछे आ गए थे रॉक्स के, उन्हें लगा कि वो चुपके से मूवमेंट कर लेंगे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दूसरी तरफ गॉड्स के रॉबिन अभी भी हाँ सर्कल के बाहर है, लेकिन यहां से वो बस प्लेसमेंट पॉइंट्स अपने लिए बढ़ा सकते हैं। इस बार फिनिश पॉइंट मात्र एक आया है उनके पास, 5 टीमें जिसमें इस समय मेजॉरिटी वापस से कोरियन टीम्स की, बट क्या थर्ड वर्ल्ड माफिया कुछ कर पाएगी देखने वाली बात रहेगी। इसी बीच रॉबिन वो प्ले जोन के शिकार होते नजर आएंगे और दोनों तरफ से अब जो प्रहार है वो होता हुआ रेड फोर्स के ऊपर, विंग्स को वहां पे डाउन किया जाएगा। लॉबस्टर उनके पड़ोस में आकर के वो गाड़ी लगाई गई, वो गेट इन किए, स्पॉटर फाइनली उनको स्पॉट करेंगे। व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज इनसेनिटी। बट अभी के लिए थर्ड वर्ल्ड माफिया वो एक और कोशिश कर सकती है। दूसरी तरफ से 2Z की स्क्वाड वो भी प्रेशर बढ़ाते हुए रेड फोर्स के ऊपर, स्पोटा को देखिए साथ के साथ गाड़ी दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे। थर्ड वर्ल्ड माफिया के अगेंस्ट फाइट उन्होंने छेड़ दी है, एनएस रेड फोर्स ट्राइंग टू गो फॉर इट। ये बग्गी बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकती है, स्मोक के अंदर इसको लेकर के गए उतरे जरूर है डीबीएस का प्रहार करने की कोशिश, बट थर्ड वर्ल्ड माफिया अभी भी जीवित, अभी भी फाइटिंग स्टांस में। रॉक के इसी बीच वो के को डाउन करेंगे, अभी भी फाइट चलती है थर्ड वर्ल्ड माफिया की, जहां पे काफी कन्फाइंड एरिया उनके पास मौजूद है। बट डेस्टिनी, वो डेस्टिनी बदलेंगे एक और नॉक डेस्टिनी निकालते हुए और रेड फोर्स की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई है। एक 1v1 की ये फाइट, बट थर्ड वर्ल्ड माफिया के डेस्टिनी वो 5वां फिनिश अपने नाम करेंगे रेड फोर्स से दूर जाता हुआ चिकन डिनर। बट इसी की बात करें अभी भी वो बरकरार, एक 1v2 उनको करना ही पड़ेगा। स्पॉटेड विद द डीबीएस, टेक्स आउट विद द डीबीएस, बैक साइड पर रटेल को भी देखा गया था लेकिन शॉट बिल्कुल साइडलाइन पर रह गए। रॉक्स के खिलाड़ी अपने लिए नंबर्स बना चुके हैं लेकिन डेस्टिनी आखिरी क्या उम्मीद बन के एक चिराग बन पाएंगे। दिस इज डेस्टिनी, आई मीन स्मोक्स का बहुत बड़ा पहाड़ है लेकिन रॉक्स के खिलाड़ी 1 अगेंस्ट 4 बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। टिमोन ने स्पॉट किया, शॉट डेफिनेटली लिए और डेस्टिनी को खत्म करेंगे। टिमोन यूएमपी का इस्तेमाल करके रॉक्स एक चिकन डिनर अपने लिए लेकर के जाएंगे। अरे 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 कैनरी की याद आ गई भाई, टिमोन कैनरी है। मैं बस चाहता हूं कि वो एंजॉय करे इस मोमेंट को, वक्त दिया जाए उनको, आप खुशी देखिए। ये दिया एक कॉम्पिटिशन किया जा सकता है यहाँ पे। टीमोन क्या बेहतरीन है खिलाड़ी और खुशी की लहर वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हुई, तमा बांध दिया पूरी तरीके से। और रॉक्स के लिए ये एक मच नीडेड विनर चिकन डिनर है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी। आपस में एक दूसरे को पटका जा रहे वो खुशी बहुत ज्यादा, बट थर्ड वर्ल्ड माफिया के ऊपर मैं आना चाहूंगा। डेस्टिनी, उन्होंने डेस्टिनी बदल दी है, पलट दी है थर्ड वर्ल्ड माफिया की।